नमस्कार, मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं 20 फरवरी 2021 के पंचांग की। पंचांग शब्द 5 अंगों से मिलकर बना होता है। वे 5 प्रमुख अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग व करण। किसी भी शुभ मुहूर्त में हम इन 5 अंगों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार, शनिवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो कि 13:32 तक रहेगी। यह तिथि जया तिथि है और इसके स्वामी ग्रह की अगर हम बात करें तो इसके स्वामी ग्रह भगवान शिव है। इस तिथि का विवाद से कहीं ना कहीं रिलेशन है। इस तिथि के दिन युद्ध करना, कोर्ट केस करना आदि कार्य शुभ माने गए हैं। 13:32 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र आज के दिन रहने वाला है। यह नक्षत्र एक अत्यंत ही शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र की आकृति एक रथ के समान या एक पहिए के समान मानी गई है। इस नक्षत्र के देवता की अगर हम बात करें तो इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। इस नक्षत्र की विशेषता है कि इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक सत्य की ओर व विकास की ओर हमेशा अग्रसर होता है। जातक एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेते हैं। ऐसे जातक अच्छा बोलने वाले, जिम्मेदार और आराम पसंद व्यक्ति माने गए हैं। आइए अब हम बात करते हैं योग की। तो वैद्यति योग 29:14 तक रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं करण की तो भव करण 13:32 तक रहेगा। उसके बाद बालव करण लग जाएगा जो कि 26:42 तक रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं सूर्य व चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 7:02, सूर्यास्त 18:21, सूर्य कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय 12:03, चंद्रास्त 26 तक। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्र राशि की तो आज के दिन चंद्र राशि वृष राशि है। आइए अब हम बात करते हैं शुभ समय व अशुभ समय की। सबसे पहले अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त 12:18 से और 13:03 तक रहेगा। इस अभिजित मुहूर्त में अगर हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौगड़िया की। सबसे पहले काल का चौगड़िया 7:02 से और 8:27 तक रहेगा। उसके बाद शुभ का चौगड़िया 8:27 से और 9:52 तक रहने वाला है। शुभ के बाद रोग का चौगड़िया 9:52 से और 11:18 तक रहने वाला है। उसके बाद उद्वेग का चौगड़िया 11:18 से और 12:42 तक रहने वाला है। उसके बाद चर का चौगड़िया 12:42 से और 14:04 तक रहेगा। उसके बाद लाभ का चौगड़िया 14:04 से और 15:29 तक रहने वाला है। लाभ के बाद अमृत का चौगड़िया 15:29 से और 16:53 तक रहने वाला है। अमृत के बाद काल का चौगड़िया 16:53 से और 18:21 तक रहने वाला है। इन सभी चौगड़ियों में शुभ, लाभ व अमृत ये तीनों चौगड़िये अत्यंत शुभ माने गए हैं। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ मुहूर्त अगर हम देखना है और उसके अंदर हम इन चौगड़ियों को शामिल करते हैं तो यह एक अत्यंत शुभ है। आइए हम बात करते हैं अशुभ समय की। सबसे पहले राहुकाल। राहुकाल 9:50 से और 11:15 तक रहेगा। गुलिक काल की अगर मैं बात करूं तो 7 से और 8:26 तक गुलिक काल रहने वाला है। किसी भी शुभ मुहूर्त में राहुकाल व गुलिक काल इन दोनों काल को हमें त्याग करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन जातक को किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन दिशाशूल है पूर्व दिशा में। आइए अब हम बात करते हैं चंद्रबल, यानी चंद्रमा किन किन राशियों को अपना बल प्रदान कर रहे हैं या फिर आज के दिन कौन कौन सी राशियां शुभ राशियां हैं। तो वे राशियां हैं वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु व मीन राशि। यानी ये सभी राशियां आज के दिन शुभ राशि है, या मैं कहूं कि चंद्रमा इन राशियों को अपना बल प्रदान कर। आइए अब हम बात करते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों के नामाक्षर की। तो आज जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनके नामाक्षर होंगे ओ, वा, वी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।